श्रीमद् भगवद् गीता 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब आप 9वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करें। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वो बड़ा पापी और मांस मदिरा का सेवन करने वाला था। जुआ खेलता था, चोरी करता था, पर स्त्री गमन करता था। ऐसा पाप कर्मी था। एक दिन मद्रपान से तिसकी देह छूटी। वो मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। दिन की भिक्षा मांग कर लाता और पत्नी को दे देता था। उसकी पत्नी बड़ी कलहेड़ी थी। वो कभी किसी को भिक्षा न देती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वो दोनों मरकर प्रेत हुए। वो भी उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगा। जहां वो प्रेत रहता था, वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचनी ने पूछा, हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने पूछा, तूने पिछले जन्म में ऐसी क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। पिशाचनी ने फिर पूछा, तूने और कौन सी साधना की थी और वो ब्राह्मण कौन था? वो अध्यात्म कर्म क्या है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन ये है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से तीन बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। ये तीन बातें पिशाचिनी ने श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, ये तीनों बातें फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं सुनाती, मैं अपने पति से पूछती हूं। वो ब्राह्मण कौन था? वो कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों को सुनते ही प्रेत देही छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी। तत्काल मार्ग में देवताओं ने उनका मार्ग रोक लिया और पूछा, तुमने ऐसे कौन उग्र पूर्ण कार्य किए जिसके करने से इतनी जल्दी बैकुंठ को चले हो? तीर्थ स्नान व्रत तपस्या दान पुण्य ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका ये फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस करने के बल से बैकुंठ को जाते हो? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने श्री गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया है, तिसके प्रताप से बैकुंठ को जाते हैं। तब देवताओं ने कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से ऐसे जीव बैकुंठवासी हुए हैं। वो तीनों जा बैकुंठ में प्राप्त हुए। श्री नारायण, हे लक्ष्मी जी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है।